के बाद जरा अब सियासत की ही आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि बयान सामने आया है और बयान भी दिया है मारूफ सियासी आदमी ने, और उनका मानना है कि जानबूझकर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इतना तंग करती है कि नौजवान को बंदूक उठाने के बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता है। मारूफ शिया लीडर और साथ साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरों में उनके शुमार होता है और साबिका मेंबर असेंबली रह चुके हैं। उनका बयान जब सामने आया है तो उसके बाद तरह तरह की बातें हो रही हैं, और बयान आबिद अंसारी साहब का सामने आया है जिन्होंने कहा कि जानबूझकर इस तरीके के हालात बनाए जा रहे हैं कि नौजवान तशद्दुद की ओर जाए और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की जगह अब आहिस्ता आहिस्ता करके सिकुड़ रही है। और उसके पीछे भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके का सिस्टम इवॉल्व किया गया है, जिस तरीके का निज़ाम बनाने की कोशिशें की जा रही है, उसकी बड़ी वजह यही है कि अब पावर पॉलिटिक्स या मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो है वो सिकुड़ रही है और लोगों का भरोसा आहिस्ता आहिस्ता करके हट रहा है। थोड़ी देर पहले उनका यह बयान सामने आया है और इस बयान की मजीद वजाहत जरा उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे साथ अंसारी साहब बराह रास्त तो श्रीनगर से ही ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी साहब ज्वाइन करने के लिए। आबिद साहब, थोड़ी देर पहले एक बयान आपका हमने सुना जिसमें आपने कहा कि देखिए हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि नौजवान को तशद्दुद पर उकसाया जा रहा है और बंदूक उठाने के बगैर कोई चारा नहीं है। क्या कुछ इस बयान के पस मंजर में है और ये तंग आमद पर जंग आमद वाली बात जो आप कह रहे हैं कितनी हकीकत पर मबनी है? सुनिए मेरी बात सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लाइव ले लिया। मसला ये है कि एक सियासत जो है वो अलग चीज है, लेकिन साथ साथ में इसके एक मजहबी एक रिवायत यहाँ है या चल रही है। मजहब के साथ आप अगर खिलवाड़ करेंगे, सियासी तौर भी अगर आप खिलवाड़ करेंगे, यूथ क्या लेगा इसका पस मंजर। मसला इस तरह से है, 29 तारीख को एसडीएम पटन ने एक ऑर्डर निकाला कि कोविड की वजह से हम किसी भी जगह कोई भी फंक्शन होने की इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन 29 के बाद सेकंड दूसरी तारीख को बाकायदा उसी एरिया में एक जुलूस निकला, उसमें एक ताजिया निकला, उसमें हजारों लोगों ने शमूलियत की। बदकिस्मती या खुशकिस्मती से उसकी लीड में खुद कर रहा था। उसी एरिया में आज कल और परसों फिर फंक्शन हो रही है तो गवर्नमेंट कहती है वो कोविड है, हम परमिशन नहीं देंगे। हम ये कह रहे हैं अगर कोविड के लिए आपने नोटिफिकेशन दिया, जो इतने लोग यहां निषाद बाग में, चश्मेशाही में, हारवन में, शालमर में आते हैं, टिकट खरीदते हैं, अंदर जाते हैं, जगह नहीं मिलती है बैठने के लिए, उनके लिए कोविड नहीं है, हमारे लिए कोविड क्यों है? एक बात। दूसरी बात यह है कि यहां के ब्यूरोक्रेट इस पर तुले हैं कि यहां का नौजवान सुपायल हो, उसका कैरेक्टर खराब हो, वो गलत चीजें इस्तेमाल करे या ड्रग्स इस्तेमाल करे, पत्थरबाजी करे या बंदूक उठाए। क्यों? इनके रवैये से हमने पहले सुना था यहां जागीरदाराना निजाम था, आज हमें लगता है बिल्कुल उसी तरह के दूसरे फॉर्म में एक जागीरदाराना निजाम चल रहा है। अगर आप एक दिन पहले हमको परमिशन देते हैं कि निकालो, फिर दूसरे दिन कहते हैं नहीं निकालो, क्यों? इसलिए कि ये परमिशन उनको मिल रहा है जो प्रो इंडियन है, और जो इसकी मुखालफत करते हैं वो एंटी इंडियन मूवमेंट यहां चलाते हैं, और यहां के ब्यूरोक्रेट्स उनकी हौसला अफजाई करते हैं जो एंटी इंडियन है। जाहिर है जो इंडियन होगा वो कहेगा कि मेरा सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है, मैं इंडियन हूं, मुझे कुचला जा रहा है, उसको सपोर्ट दिया जा रहा है जो एंटी इंडियन है। फैसला आप कीजिए, यूथ का जाएगा कहां? दो बड़ी बातें आपने बताई है। आपका एक मानना है कि जानबूझकर नौजवान को नशे की लत और बंदूक की ओर और तशद्दुद की ओर भटकाया जा रहा है, और दूसरा आपका मानना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आज भी वो लोग मौजूद हैं जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स की ज्यादा सुनते हैं या उनकी हामियों की बात सुनते हैं, और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। यह बड़ा इल्जाम आपकी तरफ से है जी,
मैं एक इसकी मिसाल दे दूंगा, हमारा एक लड़का आर्मी में काम करता है, पोस्टिंग उसकी यही है, वो आया था मुहर्रम के सिलसिले में घर मुहर्रम मनाने के लिए, उसके गले पर सेपरेस्ट जो है ये एंटी इंडियन जो यहाँ एक एलिमेंट है उन्होंने छिरी चलाई, और हमने रिक्वेस्ट की कंसर्न पुलिस स्टेशन से कि भाई FIR लॉज करो, नहीं किया, क्यों, वजह क्या है, जरा मुझे ये समझा दीजिए। अगर वो इंडियन आर्मी में काम करता है, वो अपनी जान हथेली पर लेके हमारे कौम हमारे मुल्क की हिफाजत करता है, अब उसके साथ एक लोकल आदमी जो एंटी नेशनल है ज्यादती कर रहा है और पुलिस उसको शील्ड कर रही है। आप जाके मागाम पुलिस स्टेशन से चेक करिए, वहां कोई FIR दर्ज ही नहीं है। नतीजा ये हुआ उसका एक रिलेटिव यहां से दिल्ली गया, वो वहां होम मिनिस्ट्री में उसने एप्लीकेशन दी और उसमें मेंशन किया कौन सा प्रेस्ट है, कौन यहां एंटी इंडियन है जो हमारे साथ यहां ज्यादती कर रहे हैं, क्यों वो इधर से दिल्ली उसको जाना पड़ा, इसलिए जाना पड़ा कि हाँ यहां सुनवाई नहीं हो रही है। हम यही कह रहे हैं अभी कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारी बात नहीं मानते हैं। अगर आपको हमने अप्लाई किया आज से 20 दिन पहले कि फलान जगह पर, अब देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, 20-22 साल मेरे बड़े भाई मरहूम अंसारी साहब, बड़े अंसारी साहब पर एक हमला ब्लास्ट हुआ जिसमें हमारे 14 आदमी मर गए। वो क्यों मर गए, इसलिए मर गए कि उन पर लेबल था ये प्रो इंडियन है, ये फंक्शन कर रहे हैं तो ब्लास्ट हुआ। अब उसी के दिन जो दो दिन के बाद हर साल उनके उस जगह पर हमने एक यादगार बनाई है, वहां उनको ट्रिब्यूट करने के लिए जाते हैं। आज गवर्नमेंट ने क्यों रोका, हमें क्यों नहीं जाने दिया, हम जाते। हाँ एक चीज ठीक है, कोविड के जो है वो आप उसको देख लीजिए, अगर हम मास्क पहन के नहीं जाते, मेंटेनेंस दूरी की मेंटेनेंस नहीं रखते, फिर हमारे खिलाफ आप कार्रवाई करते। आपने तो दो दिन पहले ही पुलिस बिठा दी उस एरिया में, क्यों, ताकि सेपरेस्ट एंटी इंडियन को खुश करें कि हमने ये देखो प्रो इंडियन को कैसे दबाया। ऐसे थोड़ी चलेगा, हम अमाम है यहां का रूल, हमने बार बार यहां ब्यूरोक्रेट्स को हेल्थ जो है उनको बताया किस किस जगह से ड्रग इस्तेमाल होते हैं, कुछ नहीं होता है, आईवाश है, हम गए जी उधर, उधर कोई नहीं था, बिल्कुल था, इनकी मर्जी से होता है सब कुछ, इनकी मर्जी से होता है। अंसारी साहब बड़ी बात आप बता रहे हैं, ये बताइएगा, चूंकि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, आप एक शिया फैक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्या आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से नहीं मिले हैं, क्योंकि आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ भी हैं जो एक बड़ी तंजीम के तौर पर अब उभर रही है। नहीं देखिए, इस वक्त मैं जो आपकी खिदमत में हाजिर हूं, मैं एज जनरल सेक्रेटरी शिया एसोसिएशन की हैसियत से आपसे बात करता हूं जी। दूसरी बात ये, आप खुद जानते हैं कि LG साहब से मिलना मुश्किल है, उनके साथ अपॉइंटमेंट लेनी है, ये डेवलपमेंट आज हुई, कल फंक्शन है, कैसे ही मुमकिन है कि मैं उनके दर पर जाऊंगा फरियाद लेकर। उन्होंने जो रखे हैं यहां कारिंदे, जो यहां पर ये चीज कर रहे हैं, कोई उनकी सुनवाई है, कोई उनको पूछता है, यहां स्टेट में जो रैंडम लिया है। अच्छा जो नाराजगी आपकी है ना, जो नाराजगी आपकी है एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट के, जो आपकी नाराजगी एडमिनिस्ट्रेशन से है, तो क्या आपने वो गवर्नर साहब तक या दिल्ली से जो डेलीगेशन आ रहे हैं उन तक पहुंचाई, उनको पहुंचा, ये वही तो मैं कर रहा अर्ज कर रहा हूं ना, ये आज डेवलपमेंट हुई है आज जी। अभी तो उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे, उनको हम ब्रीफ करेंगे, हम उनको कहेंगे कि हमारे साथ क्या जाती हो रही है, ये क्या तरीका है यहाँ का यूथ जो है उसको अपनाने के बजाय उसको आप धकेल रहे हैं बाल की तरफ, इन्हीं चीजों की वजह से तो यहाँ हालात खराब है। ये एटीट्यूड जो है हमारे ब्यूरोक्रेसी का और अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, वो चेंज होना चाहिए। आप देखिए कल परसों डे आफ्टर टुमारो 5-8 जगह 10 जगह पर फंक्शन है, उनके लिए कोविड नहीं है, सिर्फ कोविड हमारे लिए कि हम ओपनली हिंदुस्तान कहते हैं। अगर ये जुर्म है हिंदुस्तान कहना, चलिए आज से हम छोड़ देंगे, हम नहीं कहेंगे हिंदुस्तान, इन्हीं की बोली बोलेंगे जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं इधर,
उन्हीं की बोली बोलेंगे, पेट हमारा है हिंदुस्तानी और जबान हमारी है पाकिस्तानी, ठीक है, इसी से अगर मुल्क चलेगा हम तैयार हैं, मैं डरता नहीं। आप कोई मुझे धमकी दे कि तुम्हारा एनकाउंटर करेंगे, तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करेंगे, करने दीजिए, फांसी तो नहीं देंगे, अगर फांसी भी देनी है या लाल चौक में दे दें, मैं सच कह रहा हूं और मुंह पर कहता हूं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी आबिद अंसारी साहब, सेक्रेटरी जनरल जम्मू कश्मीर एसोसिएशन हमारे साथ थे। और नाराजगी क्या कुछ है आपके सामने है कि जनाब कोविड एक जगह है एक जगह नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेशन पर बड़े सवाल उन्होंने खड़े किए इस उम्मीद के साथ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है वो इस मामले की ओर देखेंगे, क्योंकि बड़े सवाल उन्होंने कहे, उन्होंने कहा जी कंपेल किया जा रहा, हालात ऐसे बनाए जा रहे कि लोग तशद्दुद की ओर जाए, नौजवान तशद्दुद की ओर जाए, उनके ऊपर FIR लगे, एक तो ये भी उन्होंने कहा। तो ये बहुत बड़ा बयान है उनकी तरफ से, और मुझे उम्मीद है कि सरकार इसका मौकफ भी सामने रखेगी और जो कुछ है इसके पीछे की बात उस पर भी जरूर जो है वो गौर करेगी।